इसमें दो कलर्स हैं, ये जैसे करवा चौथ के अकॉर्डिंग मिले। ये वाला रेड अलग कर दो मेरे लिए, है ना? ये वाला हाँ, बिंदी के लिए अलग कर दो। ठीक है, ये वाला अच्छा लगेगा ना भाई। नहीं नहीं अच्छा रेड है, चटक रेड है। मैंने ये वाला सूट अभी जीजा से कराया था, पर इसकी जो स्टिचिंग की थी ना जीजा ने, बहुत सुंदर की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल था पापा का श्राद्ध, आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही। कल का दिन कैसे निकल गया ना पता ही नहीं चला। रिलेटिव्स आए थे और जैसे मतलब मोस्टली तो सब लोगों ने दोपहर को ही खाना खा लिया था, बट जैसे रवि है, गौतम मना है, इनका ऑफिस मतलब शाम को ही फ्री होता है, तो फिर डिनर किया था। तो बाकी भाभी सा, कन्नू भाई सा वगैरह तो चले गए थे शाम को 5 बजे करीब, और कोमल थोड़ा लेट गई थी क्योंकि गौतम मना लेट आए थे। तो इस तरीके से मैं पता ही नहीं चला कुछ, मैं ब्लॉग शूट करना भी भूल गया, जो भूल बहुत जाती हूँ, है ना। तो आज अभी का ये है कि अभी आज मुझे जाना है शॉपिंग करने, क्योंकि रवि की शादी को सिर्फ 1.5 महीना बचा है, नवंबर में शादी है। डेट क्या है वो मैं पक्का आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, मुझे कमेंट्स में याद जरूर दिला देना, है ना। तो देखो अब तो शॉपिंग चलती रहेगी कुछ ना कुछ चीज़ की। तो पोशाकें हमने ले ली थी, फेरों की, उतार भरी और ये सब, तो आप लोगों ने वो पिछले कुछ ब्लॉग्स में देखा था। बट मैंने उन ब्लॉग्स में आपको बताया था कि हमने पायल बिंदी के लिए ना जो लाइट वेट प्योर की ड्रेसेस हैं, कॉटन की ड्रेसेस हैं, वो सब नहीं ली थी। तो मम्मी पापा तो गांव जा चुके हैं, कोमल जॉब करती तो उसको इतना टाइम नहीं रहता, उसका संडे ही फ्री रहता है। तो इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ, जो बाकी ड्रेसेस रह गई है ना प्योर की, कॉटन की, मतलब हैवी में ही लेंगे सब, तो वो सब लेने जा रही हूँ। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कहाँ से लिया, जैसे कि मैंने पोशाक आप लोगों को बताई थी मैं कहाँ से लेती हूँ, तो वैसे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। उससे पहले मुझे एक छोटा सा शूट भी करना है इंस्टाग्राम के लिए, तैयार होंगी तो इंस्टाग्राम को भी शूट कर लूंगी। कौन सी ड्रेस पहनने वाली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत प्यारी ड्रेस है ये नहीं देखो, तो ये वाली ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ। ये पूरा मतलब 4 मीटर इस तरीके से, ये तो इसका लहंगा दिख रहा है, इसमें कुर्ती काचली है और इसकी ओढ़नी शेडेड है इस तरीके से, है ये ऑरेंज और रानी कलर में इसकी ओढ़नी, बहुत प्यारा सूट है। तो मैं यही पहनने वाली हूँ और इसमें रील्स वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। आज जल्दी जाऊंगी क्योंकि आज मुझे ब्लॉग भी आके एडिट करना है मेरे भाई की सगाई वाला, जो कि आप लोग देख चुके होंगे। तो बस अब फटाफट रेडी होती हूँ, रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी मैं शूट कर रही थी इस ड्रेस का। बहुत प्यारी ड्रेस है, शायद सेंटून फैब्रिक है, मतलब सिल्क जैसा है, बहुत प्यारा है। मतलब इसमें आपको अस्तर की जरूरत नहीं, अस्तर नहीं लगवाया मैंने, और ये कॉटन की ओढ़नी परफेक्ट है वेडिंग सीजन के लिए, या कोई छोटे बड़े फंक्शन के लिए, या बड़े फंक्शन में पहन सकते हो। बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, और भी कलर मिल जाएंगे। और ये ड्रेस मुझे रिसीव हुई आस्था परिधान से, है ना। तो बस मैंने इसकी पूरी रील वगैरह सब कुछ कर ली है शूट, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी। कैसा लग रहा है ड्रेस आप लोगों को? ये इसको है ना वीडियो शूट नहीं करने देते, ये जब भी करने की कोशिश करती है ये बीच बीच में भाग के आ जाते हैं। तो शूट मेरा कंप्लीट हो चुका है, पूरी ड्रेस भी आप लोगों ने देख ली, कैसी लग रही कमेंट में जरूर बताना। और अभी मैं ऑब्वियसली मार्केट जाऊंगी तो ये सब तो पहन के जाऊंगी नहीं, तो मैं ये सब उतार रही हूँ, रखड़ी वगैरह, चूड़ा खाली प्लेन पहन लूंगी, ये सब मतलब ये जो वर्क है ये सब उतार दूंगी और फिर चलते हैं मार्केट, ठीक है। चलो हटो, अरे हट, अरे भैया। तो हम लोग आ गए झोटवाड़ा, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे आस्था परिधान के, क्योंकि उनका जो कलेक्शन होता है ना बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया। और अभी बीच में तो मैंने व्लॉग शूट भी नहीं किया था, मैं कुछ और सूट लेके आई थी शादी के, है ना, लेने देने के, मतलब ज़्यादा नहीं लिए थे उस टाइम, टाइम कम था तो मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया था। कोमल ने भी 2 पोशाकें बनवाई अभी यहाँ तक, कि मेरे भाई की जो इंगेजमेंट थी ना उसमें भी कोमल ने जो पोशाक पहनी थी वो वहीं से थी, जीजा की शॉप से। तो सबसे पहले जीजा के पास चलता है क्योंकि वहाँ पर आपको कॉटन प्योर का सारा अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, तो होपफुली वहीं मेरा सारा काम हो जाए। और मुझे 4 मीटर भी लेने हैं तो वो भी वहीं से कटवा लूँगी, मैं उनके पास से रवि की शादी में जो चाहिए होंगे जो बच्चे। तो बस हम लोग पहुँचे और आस्था परिधान की जो शॉप है ना वो झोटवाड़ा मार्केट में कुमावत कॉलोनी में है। तो मैं आपको ना सारी शॉप की जो भी एड्रेस है, लोकेशन, यहाँ तक कि लोकेशन, फ़ोन नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं जीजा शॉप कहाँ है कहाँ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हम लोग पहुँच गए, अरे मेरे को मारोगे क्या? तो हम लोग पहुँच गए आस्था परिधान, ये है आस्था परिधान हमारी शॉप, हमारी कोमल और बाकी सब। तो चलो अंदर चलते हैं।
कैसे हो? बढ़िया। अच्छे लग रहे हो, सुंदर। थैंक यू। तो हम लोग आ गए शॉप पे, ये रहे जीजा। अभी मैं वैसे कुछ दिन पहले भी आई थी, वो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, जल्दबाजी में आई थी तब। और सारे मतलब तब भी मुझे कुछ सूट लेने थे, मम्मी पापा आए हुए थे, मम्मी पापा भी साथ में आए थे, बट तब टाइम नहीं था तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, और कुछ सूट रह भी गए थे, तो वो मैं अब लेने आई हूँ। तो जीजा मुझे पहले तो कॉटन के दिखा दो, कॉटन है ना, और मतलब बीनने के लिए भी लेने उसमें से मुझे कुछ, और उसके बाद आप प्योर का दिखा देना मुझे, ठीक है ना। जैसे आपने पहना इसमें दिखा देना, मैंने पहना इसमें जो ये वाला है, दिखाऊं क्या? हाँ, मतलब जो भी नया आया है वो दिखा दो। हाँ, ये काफी पूरा फुल हाँ आपके पास में स्टॉक अभी। हाँ, ये आपने येलो वाला पहन रखा है, ये बहुत प्यारा सूट है, बुटिक सूट है। इसमें ये काथा वर्क कहते हैं ना, कोई धागे वाला थ्रेड का काम होता है। और इसके ऊपर डोरिया ओढ़ना, ये वाला मैंने भी पहना था, पर्पल कलर में मैंने पहना था। और इसकी रेड मंगी, सेम पैटर्न है जो मैंने पहन रखा है, सेम वाला, ये वाला तीन कलर इसके अंदर, एक ये वाला। हाँ, ये सर रानी मंगजी और पर्पल जो आपने पहना था, ये ग्रीन भी सुंदर है इसका। हाँ, कलर से भी सुंदर है। ओपन करूँ क्या इसको, ग्रीन को? हाँ, कर दो। डोरिया ओढ़ना भी अच्छी क्वालिटी का। और हाँ, मैंने पहले बीच में एक लिया था, मतलब किसी और शॉप से लिया था शायद, हाँ, एक डेढ़ साल पहले, बिल्कुल ऐसे स्लिप हो रहा था। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं था ये वाला, बहुत अच्छा। इसकी ओढ़नी भी आराम से रुक जाती है। हाँ, स्लिप। एक जो प्योर में अपनी डिजाइन पहनी थी ना, हाँ, सेम पैटर्न में ये कॉटन सिल्क में आया फैब्रिक, तो कॉटन ओढ़ने के साथ में काफी डिमांड आ रही थी कि इसको कॉटन में भी लेके आओ जीजा। फर्स्ट कलर तो ये प्योर वो वाला किसमें था, वो मसलिन सिल्क। अच्छा, वो भी है, पर ये भी कपड़ा बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है एकदम, है ना। इसके ऊपर ये वाली ओढ़नी दी हमने, सिबोरी। अच्छा, डिजाइन सेम है, बस कॉटन में है वो, ये कॉटन सिल्क। तो इसमें प्योर का भी है? हाँ, प्योर का है। तो इसमें प्योर का भी है, अगर आपको प्योर में चाहिए, मैंने पहना था, रील्स वगैरह आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। और अगर कॉटन में आपको चाहिए तो कॉटन में अभी आया है कलेक्शन, और प्योर अगर करवाना चाहते हो तो प्योर भी करवा सकते हो। इसके कलर वही, कलर चार्ट वही है, तीन कलर वही है, और ये फैब्रिक कॉटन सिल्क है, वो मसलिन सिल्क का। अच्छा लग रहा है, ये कलर भी सुंदर है, डिफरेंट है। इसमें येलो कलर है ना, वही सेम कलर चार्ट वही है, फैब्रिक बस वो कॉटन सिल्क। ओढ़ने अच्छे, फुल साइज ओढ़ने हैं, सरबती ओढ़ने जैसा, बट डाई बहुत अच्छी होती है। हां, नहीं ओढ़ने की कोई कंप्लेंट नहीं रहती, बहुत अच्छा रहता है ओढ़ने में। ये एक पैटर्न, ये वाला नया देखो, आर्कंडी में ये लहंगा रहेगा इसका, और इसकी ये मंगजी दी हमने जैसे नीचे कॉटन, और ये वर्क करवाया है। ये बहुत प्यारा लग रहा है। और ये वाले इसके कुर्ते कांच के फैब्रिक से, डिफरेंट पीस है, और ये ओढ़ना दिया हमने। इसमें कलर सिंगल कलर है? हाँ, कलर सिंगल। अच्छा, सिंगल ये ओढ़ना रहेगा इसका। अच्छा लग रहा है कि अलग कर दो ये वाला ना, ये वाला। हाँ, ये वाला ये अलग हटा, ये वाला अलग कर दो। अच्छा लग रहा है एक। हाँ, ये आपने ये वाला दिखाया था ना लास्ट टाइम, मैं बाइसिकल में लगी थी, सबको बहुत अच्छा लगा था ये। वैसे ये वाली डिजाइन भी हमारे पास री स्टॉक हो गई, इसकी काफी डिमांड आ रही थी, तो हमने फिर से री स्टॉक। हाँ, ये वाला मैं भी आपसे पूछ रही थी कि ये वाला है कि नहीं। हाँ, ये री स्टॉक हुआ है, कॉटन सिल्क फैब्रिक है ये, इसके ऊपर जैसे प्योर का ओढ़ना भी वेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, पहनने के बहुत बहुत सुंदर लगता है, कलर फास्ट है इसका। और ये ओढ़ना इसके साथ, कलर ऑप्शन है इसके अंदर, ये फिरोजी कलर में, ये गाजरी कलर में रहेगा ओढ़ना इसके साथ में, येलो कलर ओढ़ना बहुत प्यारा है इसका, ऑरेंज कलर। अच्छा, ये ऑरेंज है। हाँ, ग्रीन कलर। सभी कलर्स के बहुत सुंदर लगते हैं स्टिचिंग में, और पिंक कलर, सारे कलर इसके बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है। एक चीज़ ये वाला भी दिखा दो जो मैंने पहन रखा है ना, इसके कलर वाला। ये वाला क्या, मैंने ऑनलाइन ही जीजा ने डाला हुआ था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था और नाप मैंने जीजा को भेज दिया था, बट इसके कलर्स भी देख लेते हैं और कौन कौन से इसमें। दो कलर्स हैं ये, जैसे करवा चौथ के अकॉर्डिंग भाई, कॉटन में अगर सीक्वेंस का वर्क है पूरा, देख लो, रेड भी बहुत सुंदर लग रहा है ना, चटक रेड है। पर रेड मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि अभी मैंने जीजा से ना एक प्योर का कराया था, एक क्या दो करा चुकी हूँ, वो भी रेड में ही थे, रेड में। तो इसलिए फिर मैंने कहा पिंक कर लेती हूँ, रवि की शादी आ रही है उसमें भी काम आ जाएगा,
शादी में भी अच्छे लगते हैं अलग अलग कलर। ये इस टाइप का उड़ना दिया है, दो शेड में दिया, इसमें रानी और रेड कलर। अच्छा लगता है, सिर्फ चटक रेड है। जैसे ये करवा चौथ के अकॉर्डिंग भी बेस्ट कलर है रेड, अच्छा है। रानी भी अच्छा है, ये जो मैंने पहन रखा है ये इसका रानी शेड है, ये पूरा जो पहन रखा है ये तो आपको पहना हुआ पूरा पता ही चल रहा है। रेड भी बहुत सुंदर लग रहा है, सेंटून फैब्रिक है इसका, प्योर भी पहन सकते हैं इसके ऊपर। मैंने जब पहना था ना तो घर पे मम्मी कह रहे थे इसमें तो प्योर अच्छा लगेगा, तू ना कॉटन क्यों पहना है, वर्क है ना पूरा हैवी वर्क है, फुल ऊपर तक वर्क है। कुछ कॉटन भी होना चाहिए, हर जगह आप प्योर नहीं पहन सकते, तो ये अच्छा लग रहा है, हैवी लुक है, छोटे मोटे पार्टी फंक्शन के लिए बेस्ट है। और दिखाओ कुछ जीजा, इसमें ये वाला रेड अलग कर दो मेरे लिए, है ना ये वाला, हाँ बीनी के लिए अलग कर दो ये रेड वाला, ठीक है ये वाला अच्छा लगेगा ना भाई, नई नई अच्छा रेड है, चटक रेड है, ऐसे कलर अच्छे लगते हैं। ये तो मैंने पहन ही लिया पिंक, सेम सेम हो जाएंगे, ननद हो जाएगी सेम सेम भी अच्छा लगेगा वैसे। मेरा तो तब तक फिर थोड़ा फीका पड़ जाएगा, मैं कई बार पहन चुकी होगी पर रेड थोड़ा सा नहीं पे अच्छा लगता है और भी अच्छा लगता है। तो जीजा अब ना मेरे को प्योर का दिखा दो, कॉटन में तो मैंने तीन अलग करवा लिए है ना, तीन हो गए, अब प्योर में दिखा दो, ये हटा दो वैसे, प्योर में दिखा जो भी नया है ना लेटेस्ट वो दिखाना। मैंने ये वाला सूट अभी जीजा से कराया था, पर इसकी जो स्टिचिंग की थी ना जीजा ने बहुत सुंदर की थी, मैं आपको साइड में ना फोटो अटैच कर दूंगी, इतना प्यारा लग, सारा रोल स्टिचिंग का ही था, स्टिचिंग का ही है। तो जीजा स्टिचिंग भी अवेलेबल है तो आप जीजा से करवाना, स्टिचिंग बहुत शानदार करता है जो टेलर है ना, वो इनकी बहुत बेस्ट है। मैं तो कॉटन भी यही से सिलवाती हूँ, यहाँ तक की जो बीनने के लिए ले रही हूँ ना मैं उसका नाप जीजा को भेज दूंगी, यहीं पे जीजा के पास ही सिलवाऊंगी। ये जैसे ओढ़ना इस टाइप का वर्क का दे दिया अपने इस पे, और लहंगे में पाइपिंग लगी हुई, ओढ़ना बहुत सुंदर लग रहा था इसका, बहुत प्यारा लुक आ रहा था। करवा चौथ के लिए बेस्ट है, जैसे करवा चौथ हो गया, दिवाली आ रही है, कोई भी फंक्शन हो अब तो सावे, तो बहुत प्यारा लगेगा ये रेड। स्टिचिंग के बाद में जैसे लहंगे में फुल पाइपिंग थी तो कितना मतलब गेटअप आ रहा था इसका, बहुत सुंदर लग रहा था। मैं तो करवा चौथ पे यही पहनने वाली हूँ, करवा चौथ पे ये और कोई प्योर में। ये वाला ना कल जीजा ने व्हाट्सएप पे लगा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये रवि की शादी के लिए ना मैं सोच रही हूँ एक अपने लिए ये वाला भी करा लूँ, क्योंकि ये वाला कलर है ना मेरे पास हैवी नहीं, वाइन कलर हैवी लगेगा स्टिच होने के बाद। है भाई का है तो एक ही तो भाई है, कपड़ा तो चाहिए ना पैर वाला है, कपड़ा तो चाहिए, बिंदी की इतने थोड़ी ना, वो तो भाई गिने चुने होंगे बिंदी। ये पूरा सूट है वाला, और मुझे ये मंजी जिसमें आरी होगी और अस्तर के साथ में ये हैवी लगेगा, सेम है ना इसकी, सेम कलर, बहुत सुंदर है, स्टिच होने के बाद में बहुत प्यारा लगेगा ये ओढ़ना। उपाड़ा फैब्रिक है इसका, एक कलर तो ये वाला है, कलर भी अच्छा है इसमें, इस पे ये गाजरी ओढ़ना दिया है, इसमें ये सेम ओढ़ना है बस है ना, हाँ इसमें सेम में वाइन, एक ये कॉफी कलर, कॉफी नहीं है ये शायद मेहंदी कलर लग रहा है, अच्छा। और जैसे उसमें गाजरी ओढ़ना दिया है और एक ये फिरोजी कलर, इस पे रानी ओढ़ना दिया, पर ये वाला कलर तो मेरे पास है, ये वाला नहीं है, ये सुंदर लगेगा बहुत, एक और एक ये ग्रीन, ये वाला कलर तो सदाबहार है, हमेशा अच्छा लगता है, ये वाला अलग कर दो मेरा, ये वाला वाइन वाला, हाँ। वैसे तो ये ग्रीन भी अच्छा है, बाकी सारे कलर अच्छे हैं, ये वाला कलर कॉम्बिनेशन मेरे पास है, ये वाला नहीं, ये वाइन है, ये वाला वाइन हटा दो वैसे इनके लिए, एक हाँ एक डिजाइन करवा चौथ के अकॉर्डिंग ये वाली रेडी हो रही है मेरे पास में। इसके ओढ़ने पे अभी वर्क हो रहा है, पूरा जैसे पोशाक का ही लुक देगी, मतलब आगे जैसे करवा चौथ दिवाली उसके अकॉर्डिंग बेस्ट है ये कलर ऑप्शन, ओढ़ना बहुत सुंदर, सिंगल रेड कलर अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। वो पहले वाली भी उपाड़ा फैब्रिक थी और ये भी उपाड़ा फैब्रिक है, अभी जैसे मतलब आगे वेडिंग सीजन आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे वर्क वाले ही मांगते हैं ना, ओढ़ने में फुल जाल वर्क है, और ये मंगजी आएगी जिसके ऊपर आरी होगी और अस्तर के साथ में पोशाक का लुक देती फिर हैवी ना, इसके कलर ऑप्शन कटकने वाला काम भी नहीं है, नहीं बिल्कुल उल्टी कटोरी वर्क है ये, उल्टी कटोरी कितना चला था और मल्टी रेसम अभी भी काफी डिमांड है, तभी तो रेडी कर, कलर से भी सुंदर है, पर्पल पीच अच्छे सारे कलर अच्छे।
सारे कलर ही अच्छे वैसे तो, पर मेरे लिए ये वाला ये येलो अलग कर दो, है ना, ये वाला येलो, येलो कलर, येलो हटा दो इसे। मैं इसमें ये येलो वाला ले रही हूँ। बाकी आप इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन ले सकते हो, जैसे पीच कलर भी बहुत प्यारा है, पर्पल भी, फिरोजी भी, सारे अच्छे, बट मुझे पर्सनली येलो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जो मतलब पार्टी वेयर है वेडिंग सीजन में। हाँ, हल्दी के अकॉर्डिंग भी बेस्ट है। हाँ, हल्दी वगैरह शादी में ये वाला क्या वहाँ रखा हुआ था, ये अलग से शाइन कर रहा था, मैंने कहा ये वाला दिखाओ, ये कुछ अलग लग रहा है, ये किसमें, टिश्यू में जी? टिश्यू में, वैसे अभी टिश्यू की काफी डिमांड है और अभी सबसे ज्यादा प्योर कलेक्शन आ रहा है। इसका कपड़ा बहुत शाइन करता है ना, बहुत प्यारा लगता है टिश्यू का। ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था, शाइनिंग है ना टिश्यू में, तो अच्छी लग रही है। ये और नाइस के साथ सेम वर्क है जो इसमें सूट में, अच्छा लग रहा है। कलर अपने पास कलर ये जैसे, हाँ, डार्क मूंगिया, ये कलर भी प्यारा, ये कलर बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद। और ये वाला जैसे मेहंदी के अकॉर्डिंग अच्छा कलर है, हाँ ये भी प्यारा लग रहा है। साथ तीनों कलर अच्छे हैं इसके, एक कलर ये वाला, ये भी प्यारा लग रहा है, इसमें सारे कलर ही तो अच्छे लग रहे हैं। सुबह आई थी तैयार होके, मैंने अभी दिखाई नहीं है, वैसे ना आपकी नजर गई तो देखो एक्सक्लूसिव सिर्फ अपने ब्लॉग में दिख रहा है डिजाइन, आपको अभी जीजा ने लॉन्च भी नहीं किया है, तो फटाफट ऑर्डर कर देना जो भी पसंद है, क्योंकि स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। नहीं इसमें सारे कलर पता है, इसमें तो मैं डिसाइड भी नहीं कर पा रही, मेरे पास खैर ये वाला कलर नहीं है, है ना, ये वाला तो है, ये भी थोड़ा सा ग्रीन टोन में, हाँ, पर इसमें ये वाला कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो शाइनिंग है ना इसमें अलग सी, तो बहुत प्यारा लग रहा है, कलर बहुत प्यारा है। ये मंगजी आएगी जो इस पे आ रही होगी अस्तर के साथ, ओ ना बहुत सुंदर इसका हैंडवर्क हो गया, अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है इसका, कलर सिंगल है इसमें, बहुत शानदार लग रहा है, तो सॉफ्ट है, हाँ, अच्छा है ऐसे, मतलब चुभने वाला कपड़ा, हैवी पोशाक में, हाँ, सिंगल में बहुत प्यारा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है ये वाला, सिंगल है। एक चंदेरी में पोशाक है, ये बहुत प्यारी है, मेंबर साटन फैब्रिक रहेगा इसका, ऐसे पूरा चंदेरी में, हाँ चंदेरी में, ये वो सुंदर है, हाँ ये मंगजी है इसकी, हाँ, जो वो तो आ रही होगी, हाँ, अच्छा ये वाला, हाँ, तो मैंने देखा था आपने रील, हाँ, भी डाल रखी है ना इसकी, हाँ, उन्होंने ये उपाड़ा फैब्रिक, थोड़ा सा इधर से, ये वर्क है ना बहुत प्यारा है, हाँ, रेशम है जैसे ग्रीन कलर का रेशम है, हाँ, और ये जरी टाइप का, थोड़ा सीक्वेंस है इसके अंदर, पोशाक का लुक देता है ये स्टिचन वाली, ये और नाइस का, ये मंगजी रहेगी, ये कुर्ती कहाँ से ली, सेम ऑल ओवर है ना, अच्छा लग रहा है कलर ऑप्शन, हाँ कलर ऑप्शन, बाकी जैसे कलर ऑप्शन में तो नहीं मिलेंगे आपको, इसका स्टॉक तैयार हो रहा है मेरे पास, रानी रानी की सबसे ज्यादा डिमांड है, हाँ, ये बाकी का क्या स्टॉक खत्म हो गया जीजा बोल रहे हैं, अभी रानी का ही बचा है, है ना, और इसकी भी इतनी डिमांड है कि ये भी फटाफट जा रहा है, दोबारा रीस्टॉक करवाया जीजा ने, हाँ, तो फटाफट आप लोग भी ऑर्डर कर देना जो अच्छा लगे, रानी वैसे बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा रानी, महारानी वाला रानी है, काम भी बहुत अच्छा है, ऐसे अटकने वाला काम नहीं, अटकने वाला नहीं है, कपड़े बहुत सॉफ्ट, ये वाली भी डाली हुई थी है ना रील, इन सब की आपको ना रील फोटोज जीजा की इंस्टाग्राम आईडी आस्था परिधान उस पर मिल जाएगी, और बाकी आपको ऐसे भी ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो स्क्रीन पर फोन नंबर आ रहे हैं, तो आप वहां से भी जो भी आपको ड्रेस पसंद है अभी आपको स्क्रीन उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी हम दिखा रहे हैं, और इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके बुक करवा सकते हो ड्रेस, पर्पल कलर शानदार जी, बहुत प्यारा, बहुत डिमांड है, काफी स्टॉक तैयार हो रहा है, कपड़े बहुत अच्छा है इसका, उपाड़ा में उपाड़ा अच्छी क्वालिटी का उपाड़ा है, हाँ, वो सुंदर है, कलर ऑप्शन में मिलेंगे ऐसा, एक तो ऑरेंज कलर है, हाँ, हाँ। ऑरेंज देखो कितना प्यारा है, ऑरेंज अच्छा लग रहा है, एक रानी रानी, येलो येलो बहुत प्यारा लग रहा है ना, हाँ हल्दी का अकॉर्डिंग एक कलर बेस्ट है, पिंक कलर, पिंक ये कलर, सारे कलर अच्छे हैं इसके भी, वैसे तो देखो सारे अच्छे, बट मुझे ये वाला बहुत सुंदर लग रहा है जीजा, ये वाला रानी वाला है ना, हाँ, ये वाला, वो पैक वाला कर दो ये वाला है ना, हाँ, ये रानी वाला, ये वाला मैं अलग करवा रही हूँ, हाँ, ये वाला बहुत सुंदर लग रहा है, हाँ ये वाला अलग कर दो, एक वो वाइन में हो गया, एक ही रानी हो गया है, हाँ, एक वो देना अमेरिकन सिल्क, एक ये वाली, हाँ जैसे जिनको मतलब अच्छे रॉयल कलर पसंद हो ना,
उनके सिंपल सोबर सा है और थोड़ा सा ऐसे इंग्लिश कलर है, अच्छा लग रहा है। बिना की स्टिच हो जाएगा ये, सबसे बेनिफिट ये है इसमें। इसकी भी रील फोटोज मिल जाएंगी, मैंने देखा तई दीदा ने डाल रखा था। हाँ, बट मेरे पास ये कलर था ना इसलिए मैंने उस टाइम ही कराया नहीं था, पर ये बहुत सुंदर कलर ऑप्शन है, बहुत प्यारा है। मोस्टली जीजा के जो फैब्रिक होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं और वर्क ऐसा होता है ना उलझता है, और आप बिना अस्तर के भी स्टिच करवा सकते हो। हाँ, ये वाला मैंने प्योर का, इसमें ना मैंने प्योर में पहना था, ये प्योर में है, मैंने इसमें पिंक कलर है ना जीजा शायद। हाँ, आपको हाँ, प्याजी पिंक, प्याजी पिंक वो पहना था मैंने, बहुत सुंदर लग रहा था। मसलिन सिल्क फैब्रिक है ये, बिना अस्तर के स्टिच हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, अभी इसको स्टॉक हुआ इसका। ये कलर भी बहुत प्यारा है, इंग्लिश कलर है, बहुत सुंदर लगता है। इसकी ओढ़नी बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत ही प्यारी। इसी बोरी में ना अच्छा लगता है ये वाला कलर, ये वाला पहना था मैंने, ये वाला है मेरे पास, ये बहुत सुंदर लग रहा था। इसी की डीपी लगा रखी अपने ना, ये अच्छा बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने व्हाट्सएप पे डीपी लगा रखी है, सुंदर लग रहा है। एक कलर ये मस्टर्ड, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा। इनकी रील फोटोज अपलोड है अपने इंस्टा पे, हां इंस्टा पे सब फोटो शूट भी बहुत अच्छा, अस्तर से क्या हैवी बन गया ना बहुत ज्यादा। हां एक देखो ये भाई, इधर से एक ना, हाँ अच्छा लग रहा है। 16 कली में ये रेडी करवाया, इसकी भी रील देखी थी मैंने, है ना। हाँ, करवा चौथ हाँ। उसके अकॉर्डिंग अच्छा है, दिवाली वगैरह के हिसाब से ये पूरा वेलवेट हाँ। में है, वेलवेट में ठाकुर जी पे और ओढ़ना, ये वाला ये बहुत सुंदर लग रहा है। 16 कली में चटक रेड कलर है इसका, इसको बिना हाँ, ये वाला कलर मिलता नहीं है, इसे बिल्कुल एकदम चटक रंग चाहिए होता है ना, चटक रेड, बहुत प्यारा और वेलवेट में ना बहुत अच्छा लगता है, लुक अच्छे लगती है ड्रेस। साटन के ऊपर और जो ये कवर किया गया ना, ये मंगजी इसके साथ ये वाला भी मैंने वो पोशाक पहनी थी ना उसके जैसा डिजाइन है ना। हाँ। ये डिजाइन बहुत अच्छा लगता है, पता इसका जो सर पे आता है ना, हैंडवर्क है ये। हाँ, ये कलर भी बहुत प्यारा रेड है ना, शेड में ही है ना, लाइट डार्क ये वाला जीजा, एक ये अलग कर दो, अच्छा लग रहा है ये वाला। अच्छा लग रहा है बीननी के लिए ना। हाँ, ये वाला कर देना वैसे। हाँ, तो मैंने प्योर के ले लिए, थोड़ा हैवी जो कॉटन में लेना था, एक मुझे 4 मीटर में भी लेना है, तो वो भी मैं कोई देख रही हूँ, तो मतलब आज इतनी शॉपिंग बहुत है क्योंकि अभी रिद्धि सोएगी, आज हम दोपहर में आए हैं। बाकी हाँ, बाकी मुझे कुछ पोशाकें रह गई हैं, वो फिर जीजा कह रहे थे अभी कलेक्शन तो खैर आया हुआ पर मेरे पास टाइम नहीं है, और भी कलेक्शन आएगा अभी है ना, तो फिर वो मैं बाद में पोशाकें जो रह गई है ना वो मैं तब लेके मतलब देखने आऊंगी, तब आप लोगों को भी कलेक्शन दिखाऊंगी। अभी तो जीजा मैंने जो फाइनल किए ना ये सब, इनका बिल कर दो। तो हो गया, हम तब से ना बैठे बातें कर रहे हैं। तो ये मेरे सारे सूट है, अभी जीजा इनको पैक कर रही है, इनका बिल बना दो। हाँ, बिल बना। अच्छा, तो ये जो बीनी के सूट है ना ये मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ, जीजा इनको स्टिचिंग करा देंगे इनके जो है ना। ठीक है, ठीक है, मैं आपको नाम भेज दूंगी व्हाट्सएप पे। हाँ, नाम भेज देना, क्योंकि बाद में भी हमको ही करानी है, ये हमारी तरफ से सूट जाएंगे तो हाँ। बाद में मम्मी पापा को सिलाई करवानी है, और फिर गाँव में इतनी अच्छी सिलाई नहीं होती, तो हमने पता सारी पोशाकें जो भी कराई है ना सब स्टिच यहीं से कराई है। तो हो गई हमारी शॉपिंग। वैसे ना बहुत सारी चीजें बची हुई है, अभी भी बहुत सारी ड्रेस बच गई, बट मैं उनकी पूरी लिस्ट विस्ट बना के नहीं लाई थी, जो मेन मेन मोटा मोटा था अभी तो मैंने वही लिए है ना, ताकि एक मतलब ये चीजें तो फ्री हो। बाकी जो शॉपिंग बची है वो अगले महीने करूंगी, पोशाकों की भी कुछ बची है और भी कपड़ों की। तो ये था, और अभी जा रहे हैं हम लोग घर। और हाँ, आस्था परिधान की सारी डिटेल्स ना, उनका एड्रेस, फोन नंबर मैं वापस बोल रही हूँ, मैं आपको उनकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो उनका फोन नंबर, एड्रेस, लोकेशन सब कुछ चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।